एवरीवन, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्डेट्स। हमारा चल रहा था एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम का हमारा जो कॉर्डेट्स वाला सेक्शन था वो पूरा खत्म हो चुका है। अब हम चलेंगे नॉन कॉर्डेट्स खत्म हो गया था, अब चलेंगे कॉर्डेट्स की तरफ। ठीक है, तो चलो। हेलो एवरीवन, हमने अपना चैप्टर प्लांट किंगडम जो हमारा चल रहा था उसका जो नॉन कॉर्डेट्स वाला पोर्शन था वो पूरा खत्म कर लिया था। अब हमारा है जो आगे का एक लास्ट टॉपिक बचा है वो है कॉर्डेट्स। तो हम देखेंगे कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है? नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में ये मेन डिफरेंस होता है कि जो नॉन कॉर्डेट्स है उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है, और जो कॉर्डेट्स है उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। बस इतना याद रखना है, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में डिफरेंस। अब देखते हैं, आइए कॉर्डेट्स के बारे में। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा एंड फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड द पेयर ऑफ गैंग्लिया पेयर ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, तो देखो मेन सबसे पहले नोटोकॉर्ड होनी चाहिए कॉर्डेट्स पर, और उसके बाद डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए और फेरिंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स। तीन चीज़ें ये होनी चाहिए। दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो ये बायलेटरल सिमेट्री होती है, इनमें टू इक्वल हाफ्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इसमें क्या होता है सीलोमेट विद द ऑर्गन सिस्टम, और इनमें क्या होते हैं सीलोम प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसमें इसमें एक बीच में मीजोडर्म भी प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। दो जर्माइनल लेयर के बीच में एक मीजोडर्म होती है, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला है। और इसमें क्या होता है सीलोमेट होते हैं क्योंकि इसमें सीलोम प्रेजेंट रहती है, बॉडी वॉल और गट वॉल एक प्रेजेंट रहती है, इसको बोलते हैं सीलोमेट। ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कॉर्डेट्स में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है, और इसी और इनमें क्या होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा। बाकी के सब में क्या है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद देखते हैं दे पोजेस पोस्ट एनल टेल एंड द क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम, और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, प्रेजेंट्स अ कंपेरिजन ऑफ सेलिंग फीचर ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब देखिए कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में क्या क्या, देखो एक साइड लिखो कॉर्डेट्स एक साइड नॉन कॉर्डेट्स, ये हो गए कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और ये हो गए नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, एक साइड लिखो कॉर्डेट्स एक साइड लिखो नॉन कॉर्डेट्स। अब देखो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, अब देखो ऑब्वियसली बात है पहला जो है कॉर्डेट्स में क्या होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, मेन डिफरेंस है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ठीक है, और नोटोकॉर्ड एब्सेंट। ठीक हो गया, ये पहला डिफरेंस है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहती है। उसके बाद देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल होता है डॉर्सल साइड पे, और किसका नॉन कॉर्डेट मतलब सॉरी कॉर्डेट्स का जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पे होता है, और जो नॉन कॉर्डेट्स का है उनका वेंट्रल साइड पे होता है। नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट रहता है, जैसे हम में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है तो हम क्या है हमारी डॉर्सल साइड पर नोटोकॉर्ड रहती है। ठीक है, और इनमें क्या होता है नर्वस सिस्टम हमारे डॉर्सल साइड पर होता है, और इनका क्या होता है वेंट्रल साइड पर होता है। ठीक हो गया, उसके बाद फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, और इसमें जो कुछ कॉर्डेट्स ऐसे होते हैं जिसमें गिल स्लिट्स होते हैं, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स और गिल स्लिट्स एब्सेंट, और इसमें जो फेरिंग्स होता है गिल स्लिट, और फेरिंग्स में क्या होती है गिल स्लिट्स, इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है। ठीक हो गया, इसमें कोई गिल स्लिट्स नहीं होती है। उसके बाद आ जाते हैं हर्ट इज वेंट्रल, हमारा जो दिल है कहाँ है आगे की साइड है, तो हर्ट क्या है हमारा वेंट्रल साइड, हर्ट हमारा वेंट्रल साइड है, उनका इनका क्या होगा डॉर्सल साइड।
जो नॉन कॉर्डेट्स है उनका उनका जो दिल है वो क्या होगा, वो होगा आपका नॉन कॉर्डेट्स का जो दिल है वो होगा आपका डॉर्सल साइड और उल्टा हो जाएगा. मतलब जैसे नर्वस सिस्टम हमारा डॉर्सल साइड पे है और इनका क्या होता है वेंट्रल साइड पे, हमारा हर्ट वेंट्रल साइड पे है, इनका क्या हो जाता है डॉर्सल साइड. क्लियर. उसके बाद पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, ठीक है, एंड पोस्ट एनल टेल एब्सेंट. और जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, एनल टेल प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट, बस इतना याद रखना है. पोस्ट एनल टेल उसमें प्रेजेंट रहती है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट रहती है. ठीक है, अब देखिए इसमें डायग्राम दिया है. कॉर्डेट्स कैरेक्टरिस्टिक देखो, गिल स्लिट होते हैं, नोटो कॉर्ड होते हैं, और जो नर्व कॉर्ड होती है पोस्ट एनल टेल होती है. जो नर्वस सिस्टम होता है डॉर्सल साइड पर होता है, हर्ट वेंट्रल साइड पर होता है, और नोटो कॉर्ड प्रेजेंट रहती है, और फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं और उसमें नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होते हैं. ठीक है, और जो पोस्ट एनल टेल होती है वो प्रेजेंट रहती है कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट रहती है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस की क्या होता है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में. फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम. अब देखो ये जो फाइलम कॉर्डेटा है थ्री सब फाइलम में डिवाइडेड है. ठीक है, अब देखो फाइलम कॉर्डेटा, अब देखो ये कॉर्डेट है जो ये फाइलम हो गया. अब इसके जो पार्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे सब फाइलम हो जाएंगे. ठीक है, जो फाइलम कॉर्डेटा है वो फाइलम है और इसके जो पार्ट्स हो जाएंगे वो सब फाइलम हो जाएगा. ठीक है, इसको सब फाइलम में डिवाइड किया गया, एक तो यूरो कॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा. यूरो कॉर्डेटा डेटा और ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा एक ही नाम है. ठीक हो गया, उसके बाद देखते हैं सिफेलोकॉर्डेटा और दूसरा तीसरा है वर्टिब्रेटा. दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा कॉर्डेटा जो फाइलम है इसके तीन सब फाइलम है, एक यूरो कॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा. यूरो और ट्यूनी एक ही चीज है, यूरो ट्यूनी करके याद कर लेना इसको. और दूसरा है सिफेलो कॉर्डेटा, फिर होता है वर्टिब्रेटा जिसमें वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं. ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं. यूरो कॉर्डेटा एंड सिफेलो कॉर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स. ठीक है, अब देखो जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है, ये दो फाइलम जो है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा जो स्टार्टिंग के फाइलम है ये इनको क्या बोलते हैं, इसको इनको प्रोकॉर्डेटा बोलते हैं. प्रो पहले आ रहे तो इनको प्रोकॉर्डेटा. ठीक है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को क्या बोलते हैं प्रोकॉर्डेटा, और ट्यूनिकेटा भी यूरोकॉर्डेटा ही है. ओके, उसके बाद आ जाते हैं एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. ये क्या होते हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन, होते समुद्री पानी में रहते हैं. एंड इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेट. अब देखो यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेट में प्रेजेंट होती है. लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड. यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में प्रेजेंट रहती है, याद रखना. ठीक है, एंड वाइल सिफेलोकॉर्डेटा इज एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड पर्सिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ. और देखो सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होती है, ये हेड टू टेल रीजन होती है नोटोकॉर्ड, हेड टू टेल प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी भर प्रेजेंट रहती है. ठीक हो गया, उसके बाद देखते हैं हेड टू टेल थ्रू आउट लाइफ. एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा के हो गया एसिडिया, एग्जाम्पल आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे इसके, जो एसिडिया साल्पा डोलियोलम. एंड सिफेलोकॉर्डेटा के हो गया ब्रोंकियोस्टोमा एंड एम्फियोलॉक्सिस और लेंसलेट. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बाद में एक अच्छे से वीडियो लाऊंगी इसकी, तो आप एग्जाम्पल इसके अच्छे से याद कर लेना कि कौन से यूरोकॉर्डेटा के हैं और कौन से सिफेलोकॉर्डेटा के हैं. उसके बाद द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा. अब देखो वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, और इसमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहती है. नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहती है. अब देखो जो कॉर्डेटा है उसके तीन सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, यूरोट्यूनी, फिर सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. ठीक है, अब देखो जो यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है
ये इनको क्या बोलते हैं प्रोकॉर्डेटा, ये दोनों में पहले आ रहे तो याद रखना प्रोकॉर्डेटा, ठीक है। उसके बाद जो नोटोकॉर्ड होती है यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट रहती है, और सिफेलोकॉर्डेटा में हेड और टेल दोनों में प्रेजेंट रहती है, और क्या होते हैं क्या होती है थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहती है, जिंदगी भर प्रेजेंट रहती है। और वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहती है, क्लियर। इसके बाद देखते हैं द नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट बाद में नोटोकॉर्ड क्या होती है जो इसमें किसमें चेंज हो जाती है, जो नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाती है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, इसमें जो कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड जो अडल्ट में ये याद रखना जो हमें देखो हमें क्या होते अब दो चीज आ जाती है वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है बैकबोन प्रेजेंट रहती है, और नॉन वर्टिब्रेट्स जिसमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। तो उसमें हम भी आ गए हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में लार्वल सॉरी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, बट अडल्ट में आते आते ये कार्टिलेजिनस और वर्टिब्रल कॉलम में ये चेंज हो जाती है, कार्टिलेज और वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ये देखो ये सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं ये क्या हैं कॉर्डेट्स हैं, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं है। अब देखो ये सारे ये लाइन ये कह रही कि सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं ये सारे वर्टिब्रेट क्या है कॉर्डेटा के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्टिब्रेट्स क्या हो गए कॉर्डेट्स हो गए, बट ये सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा भी आ रहे हैं, क्लियर। तो ये हो गया ऑल कॉर्डेट्स आर ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, क्योंकि इसमें ये सारे वर्टिब्रेट नहीं है। देखो वर्टिब्रेट सारे कॉर्डेट्स हैं बट इसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों आ रहे हैं, तो ये क्या हो गए इसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा भी आ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए अलग हो गए, क्लियर। तो ये हमने देख लिया है मेन डिफरेंस इसके बीच में। उसके बाद आ जाते हैं बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हर्ट, और वेंट्रल मस्कुलर हर्ट हमें क्या होता है वेंट्रल साइड पे मस्कुलर हर्ट होता है विद टू थ्री और फोर चैम्बर्स, और इसमें क्या होता है किसी में दो चैम्बर होता है किसी में थ्री चैम्बर होते हैं किसी में फोर चैम्बर होते हैं, ठीक है। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, हमें पता है किडनी किसके काम आती है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के काम आती है। एंड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्ब्स, अपेंडेजेस क्या होते हैं हमें फिन्स और लिम्ब्स, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं द थ्री सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। अब देखो एक क्या हो गया वर्टिब्रेटा, अब इन तीनों सब फाइलम में से अब हम वर्टिब्रेटा जो है वर्टिब्रेटा के भी सब फाइलम है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा वर्टिब्रेटा, अब देखेंगे वर्टिब्रेटा के भी सब फाइलम है। अब देखो वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके डिवीजन हो गया एक तो एग्नेथा और एक हो गया आपका ग्नेथोस्टेमा, ठीक है। एक ये इसको टू पार्ट्स में आ गए, एक तो वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम था उसके टू डिवीजन हैं, ये क्या है डिवीजन है एक हो गया एग्नेथा और एक हो गया गेनेथोस्टोमा। एग्नेथा का मतलब लैक जो इनमें जॉ नहीं होता है, एग्नेथा में क्या होता है जॉ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके एक और क्लास है, एग्नेथा की एक ही क्लास है जिसको बोला है हमने साइक्लोस्टोमा। एग्नेथा की एक क्लास है जिसको बोला साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा के अंदर जॉ नहीं होता, जॉ लेस होते हैं, इनका जॉ नहीं होता, याद रखना। और अगर ग्नेथा की भी याद करें तो इसकी भी दो सुपर क्लास है, वो है एक पाइसिस और एक टेट्रापोडा, ठीक है। पाइसिस और इसकी दो क्लास आ गई आपकी,
ये तो देख के ही पता चला पाइसिस में फिशेज आ गए और टेट्रापोडा में जिनके फोर लिम्स होंगे, ठीक हो गया। ये ध्यान से देखना जो वर्टिब्रेटा का डिवीजन दो टाइप पार्ट में हो गया, एक तो एग्नेथा और एक कहने तो स्टोमा। एग्नेथा जो होते हैं जिसमें लैक ऑफ जॉ होता है, जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे साइक्लोस्टोमा। और अगर हम गेनेथोस्टोमा की बात करें जिसमें जॉ प्रेजेंट रहती है, वो हो गया पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस में फिशेज आ गई और टेट्रापोडा में क्या आ गया आपके जिनके पास हाथ पाव है, ठीक है। उसके बाद इसमें बियर्स फिंस हो गया, पी आई, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी शायद, पी आई एस सी एस होती, मैंने सी आई ई एस लिख दी, ओके। टेट्रापोडा में आ गए आपके लिम्स, ठीक हो गया। उसके बाद देखते कॉन्ट्रिक्थाइज एंड ऑस्टियोथाइज, ठीक है। ऑस्टिक्थाइज, कॉन्ट्रिक्थाइज और ऑस्टिक्थाइज, इसकी दो क्लास हो गई पाइसिस। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और उसके बाद आ जाते हैं एप्स एंड मैमल्स। एप्स जिसमें बर्ड्स आ गई, ठीक हो गया। वर्टिब्रेटा की दो क्लास हो गए, एग्नेथा और गेनेथोस्टोमा। एग्नेथा में जिसमें जॉ नहीं होता है, जो हो गए साइक्लोस्टोमा, ठीक है। और गेनेथोस्टोमा की दो क्लास हो गई पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस जिसमें जो फिन्स बियर करते हैं और टेट्रापोडा जो लिम्स बियर करते हैं। पाइसिस की दो सब क्लास हैं आपकी, कॉन्ट्रिक्थाइज और ऑस्ट्रिक्थाइज, और टेट्रापोडा की चार क्लासेस हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, क्लियर। तो ये सारे अब एक एक करके सबको हम देखेंगे, ठीक है। एक एक करके सबको अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली क्लास जो है हमारी साइक्लोस्टोमा, ये यहाँ से सबसे पहले पढ़ेंगे। एग्नेथा के बारे में पढ़ेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमा आर एक्टोपैरासाइट, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट नहीं होते, एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। ऑन सम फिशेज, एंडोपैरासाइट ऑन सम फिशेज, जो ये होते हैं, ये सारे साइक्लोस्टोमा एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेज के ऊपर, ठीक है। एंड दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, और जो साइक्लोस्टोमा होते हैं इसमें क्या होते हैं 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, याद रखना। अब देखिए फॉर द रेस्पिरेशन, गिल्स के का काम ही रेस्पिरेशन का है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के क्या होते हैं इनमें 6 to 15 फिन्स होते हैं, ओके, गिल स्लिट्स होते हैं। उसके बाद साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, और विदाउट जॉ, जॉलेस पहले से ही बोल दिया था, विदाउट जॉ है, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर ऑफ फिन्स, और इसमें क्या होता है, बॉडी क्या होती है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स होते हैं, इसमें स्केल्स नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनमें पेयर ऑफ फिन्स होते हैं, ऑब्वियसली पेयर ऑफ फिन्स मतलब फिन्स एबसेंट होते हैं, और क्या होते हैं, स्केल्स इसमें एबसेंट होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखें क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, और जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है इनका वो कार्टिलेजिनस है। उसके बाद सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इसमें क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। अब कॉर्डेट्स आ गए तो इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होगा, किसी किसी में ओपन भी होता है वैसे, बट इसमें जो साइक्लोस्टोमा है उसमें क्लोज टाइप का है। साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर द स्पॉनिंग फॉर फ्रेश वाटर, स्पॉनिंग के लिए क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, वैसे ये मरीन वाटर में रहते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, और जैसे स्पॉनिंग के बाद क्या होते हैं,
ये कुछ दिनों के बाद इनकी डेथ हो जाती है एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू द ओशन. और जैसी इनका जो लार्वा होता है ये जब स्पॉनिंग करते हैं उसके बाद लार्वा जो होता है इनका ये क्या करता है ये क्योंकि लार्वा ये स्पॉनिंग करते हैं और क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है फ्रेश वाटर में. और इनका लार्वा जो होता है वो क्या करता है जब जैसी मैच्योर वो तो मर जाते हैं उसके बाद, और जैसे इनका लार्वा बड़ा होता है ये कहाँ चले जाता है समुद्र में चला जाता है. ठीक है उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल, इसके दो ही एग्जाम्पल है, एक तो पेट्रोबाइजोन जिसको लैम्प्रे बोलते हैं और एक हैगफिश जो आपका हैगफिश हो गया आपका मिक्सिन. पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन इसके दो एग्जाम्पल हैं. जो पेट्रोमाइजोन है इसको बोलते हैं लैम्प्रे और जो मिक्सिन है उसको बोलते हैं हैगफिश. ठीक हो गया उसके बाद आ जाता है क्लास. अब हमारा जो पहला एग्नेथा वाला है ये ख़त्म हो चुका है, हम इसको इरेज कर देते हैं. जो एग्नेथा है इसके बारे में हमने बिल्कुल अच्छे से बात कर ली है और ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया है. ठीक है उसके बाद आ जाता है एग्नेथा. एग्नेथा के दो क्लासेस हैं, एक हो गया मतलब दो क्लासेस है पाइसिस और टेट्रापोडा. पाइसिस फिन्स बियर करते हैं और जो टेट्रापोडा है लिम्स बियर करते हैं. इसमें सबसे पहली क्लास है आपकी कॉन्ट्रैक्ट थाइस. ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट थाइस के बारे में बात करेंगे. दे आर मरीन एनिमल्स विद द स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. ठीक है ये मरीन वाटर में रहते हैं और स्ट्रीम बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इनमें होता है. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, और जो माउथ इनका होता है वेंट्रल साइड पे होता है. एंड नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, और मैंने पहले ही बताया था जो नोटोकॉर्ड होती है इनमें वो थ्रू आउट द लाइफ रहती है. गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड विदाउट ऑपरकुलम, और गिल स्लिट क्या होते हैं बिना ऑपरकुलम के क्या होते हैं सेपरेट रहते हैं. जो ऑपरकुलम होता है गिल कवर. एंड द स्किन इज टफ, और इनकी स्किन टफ होती है. कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, और इसमें क्या होते हैं माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं. टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, और इसमें टीथ जो होते हैं मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और ये क्या होते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं. देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, और इनके जो जॉ होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं. दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, और ये प्रीडेशियस होते हैं ठीक है शिकारी होते हैं शिकार करते हैं. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, और इसमें क्या होती है एयर ब्लैडर एब्सेंस होते हैं. दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, तो इनमें जो इनमें क्या होते हैं एयर ब्लैडर नहीं होते हैं तो जिसकी वजह से इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूबने से बच जाए. ठीक है एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट थाइस का ये स्पेशल फीचर है, इनमें क्या होता है ये इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं और इसलिए इनको क्या करना पड़ता है कॉन्स्टेंट स्विमिंग करनी पड़ती है डूबने से बचने के लिए. ठीक है अब देखिए इसके एग्जाम्पल जो हो गए आपके अगर हम देखें एग्जाम्पल कार्टिलेजिनस स्पीशीज के, एक तो स्कोलिडॉन एंड प्रिस्टिस, स्कोलिडॉन एंड प्रिस्टिस. ठीक है अब देखते हैं इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट थाइस के बारे में देखते हैं. हर्ट इज टू चैम्बर, ठीक है और एक दो चैम्बर होगा तो एक ऑरिकल होगा एक वेंट्रिकल हो गया. सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और कुछ इसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट थाइस होते हैं किसी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं जिसको बोलते हैं टॉर्पीडो. इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं टॉर्पीडो. एंड सम पोजेस पॉइजनस स्ट्रिंग, और जिसमें पॉइजनस स्ट्रिंग होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइगन. टॉर्पीडो में करंट होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं टॉर्पीडो में, और पॉइजनस स्ट्रिंग होते हैं स्ट्रिंग होते हैं आपके ट्राइगन में. ठीक है दे आर कोल्ड ब्लडेड, और कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं उसको पोकिलोथर्मस बोलते हैं और जो वार्म ब्लडेड होते हैं उसको होम्योथर्मस बोलते हैं. ठीक है अब देखिए होम्योथर्म बोलते हैं और इनको पोकिलोथर्म बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, और देखिए जो होम्योथर्मस होते हैं वो अपनी बॉडी क्या करते हैं रेगुलेट करते थे जैसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर देते हैं, बट ये क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है सेक्सेस आर सेपरेट इन मेल्स, पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्प्स, सॉरी हाँ क्लैस्पर्स. ठीक है सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं और जो मेल में पेल्विक फिन्स होते हैं वो क्या करते हैं उसमें क्लैस्प्स बियर करते हैं और सेक्सेस सेपरेट होते हैं इसमें. एंड दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर वीवी पैरस, और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनमें से बहुत सारे क्या होते हैं वीवी पैरस होते हैं. वीवी पैरस मतलब जो बच्चे देते हैं. ठीक है और ओवी पैरस मतलब जो अंडे देते हैं. एनिमल दो टाइप के होते हैं, एक वीवी पैरस और एक ओवी पैरस. वीवी पैरस वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, जो ओवी पैरस होते हैं जो अंडे देते हैं बस. ठीक हो गया एग्जाम्पल्स के हो गए स्कोलिडियन एंड डॉग फिश एंड प्रिस्टिस सॉफिश एंड
एंड कार्टी कैरोडॉन जो ग्रेट व्हाइट शार्क होती है, एंड ट्राइगन स्टिंग्रे। ठीक हो गया, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया पाइसिस का। हमने पहला वाला टॉपिक अच्छे से देख लिया, कॉन्ट्रिक्टाइस। ठीक है, अभी कॉन्ट्रिक्टाइस हमने पढ़ लिया, अब बच गया सिर्फ ऑस्ट्रिक्टाइस इस क्लास का। ऑस्ट्रिक्टाइस मतलब जो हमने पाइसिस पढ़े थे, और कॉन्ट्रिक्टाइस इसका खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे ऑस्ट्रिक्टाइस। ठीक हो गया, अब देखिए क्लास ऑस्ट्रिक्टाइस में क्या होता है। इट इंक्लूड्स बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बोनी एंडोस्केलेटन। इसमें मैरीन और फ्रेश वाटर फिशेज दोनों आती हैं, और इसका क्या होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है। द बॉडी इज स्ट्रीम लाइंड, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। और जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइंड होती है, और माउथ होता है इसका मोस्टली टर्मिनल होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स, और इसमें क्या होते हैं, चार पेयर होते हैं गिल्स के, विच आर कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम। और चार पेयर के गिल्स होते हैं, ऑपरकुलम से कवर्ड होते हैं, एंड ऑन ईच साइड एंड स्किन इज कवर्ड विद अ साइक्लॉइड। और स्किन क्या होती है, साइक्लॉइड से कवर्ड रहती है। और टीनॉइड स्केल्स होते हैं, साइक्लॉइड को ही टीनॉइड स्केल्स बोला है इसमें। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायंसी। और एयर ब्लैडर इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो बायंसी मतलब उनमें बायंसी रहती है, और वो तैर मतलब फ्लोट बायंसी रहती है, तो उससे क्या होता है, ये डूबते नहीं है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, हर्ट इज टू चैम्बर्ड वन ओरिकल, और हर्ट टू चैम्बर है तो एक ओरिकल होगा एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं, और ऑस्ट्रिक्टाइस भी क्या थे, कोल्ड ब्लडेड थे, और कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलते हैं, पोकिलोथॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस इसमें भी सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, और उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल था कॉन्ट्रिक्टाइज में। ऑस्ट्रिक्टाइज में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल है, सॉरी। एंड दे आर मोस्टली ओवी पैरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और जो कॉन्ट्रिक्टाइज थे वो मोस्टली वीवी पैरस थे, और ऑस्ट्रिक्टाइज क्या है, मोस्टली ओवी पैरस। इसके बाद मतलब ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए मैरीन फिशेज के, एग्जोसीटस हो गया इसका फ्लाइंग फिश, और हिप्पोकैम्पस हो गया सी हॉर्स, और फ्रेश वाटर में रहने वाले लेबियो जिसको बोला है रोहू, कैटला काटला, और क्लैरिस इसको मगूर बोलते हैं, एक्वेरियम हो गया बीटा, एंड द फाइटिंग फिश हो गया आपका बीटा हो गया फाइटिंग फिश, और द टेरोफाइलम हो गया एंजल फिश। तो ये हो गया आपके कॉन्ट्रिक्टाइज और ऑस्ट्रिक्टाइज। अब लास्ट हमारा जो एम्फीबियन की, ये चार क्लासेस बच गई हैं, इसको हम अच्छे से देखेंगे। कॉन्ट्रिक्टाइज की चार क्लासेस नहीं, सॉरी, गैनेथोस्टोमा, उसमें हमने पाइसिस को देख लिया, कॉन्ट्रिक्टाइज ऑस्ट्रिक्टाइज ये भी खत्म हो गया। अब कॉन्ट्रिक्टाइज भी हो गया और ऑस्ट्रिक्टाइज भी हो गया, और इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो गैनेथोस्टोमा है उसके जो क्लास है उसमें एम्फीबियम हम देखेंगे, टेट्रापोडा। अब मैं एम्फीबियंस आ गए, और रेप्टाइल्स आ गए, एप्स आ गए, और मैमल्स आ गए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें आ गई, ये हम इसको एक एक करके देखेंगे फिर हम। अब देखेंगे हम टेट्रापोडा के बारे में, अब देखेंगे टेट्रापोडा। टेट्रापोडा की सबसे पहली क्लास है आपका एम्फीबियंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसके डायग्राम देख सकते हैं एनसीईआरटी में, और एग्जांपल एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम के एग्जांपल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए क्लास एम्फीबिया जो होते हैं हम देखेंगे एम्फीबियन में। एज द नेम एम्फीबियन इंडिकेट्स डुअल नेचर। ठीक है, डुअल लाइफ मतलब ये क्या होते हैं, ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। एम्फीबियन का मतलब ही ये है, इनका डुअल नेचर होता है, डुअल लाइफ होती है, ये क्या कर सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और ये क्या हो सकते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में ये रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। और बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर इनमें क्या होता है, एम्फीबियंस में क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड एंड ट्रंक। और बॉडी डिवाइडेड रहती है एक हेड और ट्रंक में। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, और टेल किसी किसी में प्रेजेंट रहती है, किसी में नहीं रहती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, और जो विदाउट स्केल, और इनकी जो होती है एम्फीबियन की स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स की होती है। द आई हैव आई लिड्स, और आई में क्या होती है, आई लिड्स होती हैं। एंड टिम्पैनम प्रेजेंट द ईयर, और टिम्पैनम में क्या होता है, ईयर प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री केनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इन टू द कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। और जो यूरिनरी और जो
यूरिनरी और आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वो कॉमन चैम्बर में खुलता है जिसको बोलते हैं क्लोएका, विच ओपन टू द एक्सटीरियर रेस्पिरेशन बाय द गिल्स. और ये क्या होता है, ओपन्स द एक्सटीरियर रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स. और ये एक्सटीरियर ओपनिंग में खुलता है एंड लंग्स एंड थ्रू आउट थ्रू द स्किन एंड द हर्ट इज थ्री चैम्बर्ड. और इनका जो एम्फीबियंस का हर्ट होता है, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्फीबियन का हर्ट थ्री चैम्बर्ड होता है, ठीक है, थ्री चैम्बर्ड होता है. एंड दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पोकिलोथर्मस होते हैं ये भी. और जो सेक्सेस होते हैं, इसके सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. दे आर ओविपैरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. और ये क्या होता है, ओविपैरस होते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है. ओविपैरस मतलब अंडे देने वाले होते हैं. एग्जाम्पल देखें तो, अगर एम्फीबियंस के एग्जाम्पल देखें तो बूफो टोड हो गए, राना हो गया फ्रॉग, एंड हाइला हो गया ट्री फ्रॉग, सालमेंडर हो गया सालमेंडर, सालमेंड्रा हो गया सालमेंडर. और अब इक्थियोफिस देखे तो लिम्फलेस एम्फीबिया है. अब यहाँ पे देख सकते हैं सालमेंड्रा का ये एग्जांपल है ए वाला, और राना टिग्रीना जो हमारा फ्रॉग है ग्रीन कलर का ये है. उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो पहला हो टेट्रापोडा का एम्फीबियंस हमने खत्म कर लिया है. इसके बाद आ जाते हैं रेप्टाइल्स. जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में देखते हैं, और देखिए रेप्टाइल्स के चैमिलॉन, क्रोकोडिलस एंड द चिलॉन एंड नाजा, ये सारे इसके एग्जांपल हो गए. रेप्टाइल्स को देखते हैं, द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्लॉडिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. रेप्टाइल्स इनको बोलते हैं क्योंकि क्रीपिंग, ये क्या करते हैं, रेंगने वाले प्राणी हैं, ठीक है, ये रेंग के जाते हैं. इनके नेम से ही पता चला, जैसे एम्फीबियन का पता चला था डुअल लाइफ, ऐसे ही क्या करते हैं इनका क्या है, ये क्या करते हैं, क्रीपिंग नेचर होता है इनका, तो रेप्टाइल, ठीक है. अब देखिए दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड द कॉनिफर्ड स्किन. और ये क्या होते हैं, इनकी जो एनिमल्स की बॉडी होती है कवर्ड होती है ड्राई एंड कन्फाइंड स्किन एंड एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स. और इसमें क्या होते हैं, जो स्केल्स होते हैं इसके एपिडर्मल स्केल्स होते हैं और स्क्यूट्स होते हैं, ठीक है. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग. और इसमें एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं होती है. टिम्पैनम प्रेजेंट एयर, प्रेजेंट एयर. और टिम्पैनम में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होती है, ईयर प्रेजेंट होते हैं, सॉरी एयर नहीं ईयर. लिम्स वेन प्रेजेंट आर टू पेयर. और जब इनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं तो दो पेयर होते हैं, दो मतलब दो पेयर, दो हाथ और दो पैर हो गए. लिम्स प्रेजेंट होते हैं तो दो पेयर होते हैं. और हर्ट इज यूजुअली थ्री चैम्बर्ड. और हर्ट जो होता है इनका, जो रेप्टाइल्स का हर्ट होता है वो यूजुअली थ्री चैम्बर्ड होता है, बट फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल. एक्सेप्शन है, यहाँ पे याद रखना, जो रेप्टाइल्स होते हैं इनका जो हर्ट होता है वो थ्री चैम्बर्ड होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. सारे रेप्टाइल्स का हर्ट जो होता है थ्री चैम्बर्ड होता है, क्रोकोडाइल का ह्यूमन बींग की तरह होता है फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है, याद रखना. एक्सेप्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं. रेप्टाइल्स आर पोकिलोथर्मस. सारे ये कोल्ड ब्लडेड हैं, अभी तक जितने हमने देखे सारे क्या है, कोल्ड ब्लडेड हैं पोकिलोथर्म्स. एंड स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एंड एज स्किन कास्ट. सेक्सेस आर सेपरेट. और इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. और इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. दे आर ओविपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. और ये क्या होते हैं, ओविपैरस होते हैं, अंडे देते हैं और इनका डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट. अब देखते हैं इसके एग्जांपल हो गया, चिलॉन हो गया टर्टल एंड टेस्ट्यूडो हो गया टोटॉइस एंड चेमिलॉन हो गया आपका ट्री लिजर्ड एंड द कैलोटीज हो गया गार्डन लिजर्ड एंड द क्रोकोडिलस हो गया क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर एंड हेमीडेक्टाइलस हो गया वॉल लिजर्ड एंड पॉइजनस स्नेक हो गया आपका नाजा कोबरा जिसको बोलते हैं एंड बैंग्रस हो गया क्रेट्स एंड द वाइपर हो गया वाइपर को वाइपर ही बोलते हैं सॉरी विप्रा वाइपर हो गया. उसके बाद हमारी अगली क्लास है, जो अगली क्लास है हमने हमारे रेप्टाइल भी हो गया, टेट्रापोडा की जो अगली क्लास है वो देखेंगे, वो हो गई हमारी टेट्रापोडा की अगली क्लास है एव्स. जो एव्स है हमारे, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स जिसको हम बर्ड्स बोलते हैं आर द प्रेजेंस ऑफ फैदर्स. और इसमें क्या होता है, जो बर्ड्स में होते हैं फैदर्स प्रेजेंट रहती हैं, हम देखते रहते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड और स्ट्रिच. हमने देखा जो एव्स होती है, जो बर्ड्स होती है फ्लाई करती है, बट एक फ्लाइटलेस बर्ड ऐसी है जो उड़ नहीं सकती, एक बर्ड ऐसी है जो उड़ नहीं सकती जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच, जिसका जो सबसे बड़ा अंडा जिसका होता है, ठीक है, शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच, ये फ्लाइटलेस बर्ड होती है, ये उड़ नहीं पाती है, बाकी सारी बर्ड्स उड़ती है, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ पाती.
दे पोजेस बीक, और इसमें इनमें सब होते हैं, बीक होती है, फोर लिम्स होते हैं मॉडिफाइड इनटू विंग्स, बीक होती है ठीक है, चोंच होती है, और फोर लिम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोर लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। ये आता है क्वेश्चन कि कौन से विंग्स होते हैं जो कौन से लिम्स होते हैं जो मॉडिफाई होते हैं विंग्स में। स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांच एंड स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, और स्किन इनकी स्किन ड्राई होती है बिना ग्लैंड के होती है, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, और टेल में क्या होती है इनकी ऑयल ग्लैंड होती है, बाकी वरना ग्लैंड्स नहीं होती है, एक ही ग्लैंड होती है ऑयल ग्लैंड। एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड और बोनी, और एंडोस्केलेटन पूरा ओसिफाइड होता है मतलब सारा बोनी होता है। एंड द लॉन्ग बोन आर हॉलो विद एयर कैविटीज एंड न्यूमेटिक, और लॉन्ग बोन इनकी लॉन्ग बोन्स होती है और हॉलो होती है, जो लॉन्ग बोन्स होती है हॉलो होती है मतलब खाली होती है, खोखली होती है, क्योंकि ताकि ये एयर इनका वेट क्या हो लाइट हो और क्या हो सके उड़ने में इनको हेल्प मिले ठीक है। न्यूमेटिक होते हैं, द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर द क्रॉप एंड गिजर्ड, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बर्ड्स का उसमें एडिशनल चैम्बर्ड होते हैं क्रॉप और गिजर्ड ठीक है। हर्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, और हर्ट इनका फोर चैम्बर्ड होता है, दे आर वॉर्म ब्लडेड होमियोथर्मस। अब देखिए अभी तक जितने हमने पढ़े, जितने भी हमने गैलेथोस्टोमा के बारे में पढ़े थे सारे क्या थे हमारे, और अगर हम इसकी बात भी करें सारे ये क्या थे सारे पोकिनोथर्म्स थे, कोल्ड ब्लडेड थे। अब यहाँ से एफ से क्या आ गए वॉर्म ब्लडेड, वॉर्म ब्लडेड हो गया आपके होमियोथर्मस एनिमल्स, दे आर एबल टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और होम्योथर्म मतलब जो अपना ये बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखते हैं, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। रेस्पिरेशन इज बाई लंग्स, और इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है लंग्स के थ्रू होता है ठीक है। एंड एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन ठीक है, जो और एयर सैक्स होते हैं वो किससे होते हैं लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। एंड सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट ठीक है। ये क्या होते हैं ओविपैरस होते हैं, ये भी अंडे देते हैं और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है। और कुछ बर्ड्स के इसमें नेम लिखे हुए देखिए, नेफ्रॉन स्ट्रूथियो एंड द पिस्टिकुला एंड पावो, पावो हो गया आपका मोर जिसको बोलते हैं पिकॉक, और पिस्टिकुला हो गया आपका पैरट, और न्यूफ्रॉन हो गया ऑस्ट्रिच, और न्यूफ्रॉन हो गया आपका सॉरी न्यूफ्रॉन हो गया आपका ये वल्चर जिसको बोलते हैं, और स्ट्रूथियो हो गया ऑस्ट्रिच, और पिस्टिकुला हो गया आपका पैरट, और पावो हो गया पिकॉक। उसके बाद हमने देखिए कॉर्वस हो गया क्रो, एंड द कॉल्यूम्बा हो गया पीजन, पिस्टिकुला पिस्टिकुलेटा ठीक है सॉरी सीटाकुला बोल सकते हैं, इसको पी साइलेंट हो सकता है इसमें ठीक है। सीटाकुला हो गया पैरट, एंड द स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच हो गया, और पावो पिकॉक हो गया, और टेंड्राइटिस एपिटेंड्राइटिस हो गया पीजन, एंड एफ्रॉन हो गया वल्चर ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल एग्जाम्पल इन पे एग्जाम्पल्स पे बहुत फोकस करना है कौन सा एग्जाम्पल किसका है। उसके बाद हमारा जो ये वाला भी कंप्लीट हो गया, हमारा एप्स भी खत्म हो गया, हमारा लास्ट जो सब क्लास बची हुई है टेट्रापोडा की वो है हमारी मैमल्स जिसमें हम लोग आए ठीक है। मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, देखिए दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट, मैमल्स वेराइटी ऑफ हैबिटेट में प्रेजेंट रहते हैं, कहीं भी मतलब अलग अलग जगह प्रेजेंट रहते हैं, पोलर आइस कैप्स डेजर्ट्स माउंटेन्स फॉरेस्ट ग्रास लैंड एंड डार्क केव्स, ये हर जगह प्रेजेंट रहते हैं ठीक है। अब देखिए सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई एंड लिव इन वाटर, कुछ कुछ ऐसे ऐसे अडेप्ट हो गए हैं वो उड़ने के, उससे उड़ भी सकते हैं, और कुछ ऐसे अडेप्ट हो गए कि वो पानी में रहने लगे ठीक है। एंड मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मैमरी ग्लैंड, जो सबसे यूनिक फीचर है मैमल्स का वो है मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना ठीक है। मैमरी ग्लैंड जिसमें प्रेजेंट होती है मतलब मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये मैमल्स का यूनिक फीचर है बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, और मैमरी ग्लैंड से क्या होते हैं यंग वन नरिश्ड होते हैं। दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स एडेप्टेड फॉर द वॉकिंग रनिंग एंड क्लाइंबिंग एंड द बरोइंग स्विमिंग और फ्लाइंग, और ये क्या होते हैं इसमें क्या होते हैं टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ये हर चीज़ के लिए क्या होते हैं एडेप्ट रहते हैं। स्किन ऑफ अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुछ मैमल्स हैं ऑर्निथोरिनकस एंड द मैक्रोपस टेरोपस एंड बेलेनोटेरा ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। मैमल इज ए यूनिक पोजिंग हेयर, और दूसरा जो एक तो पहला मेमरी ग्लैंड होते हैं मैमल में ये यूनिक फीचर है, दूसरा है इनमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, और तीसरा एयर पिन्ना प्रेजेंट होता है ठीक है, एयर पिन्ना प्रेजेंट होता है।
अब देखिए, मैमल इज अ यूनिक इन पोजिंग हेयर, और इसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं इसलिए यूनिक है। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट, और एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है तो इसमें और पिन्ना प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन दिस जॉ, और अलग अलग तरीके के इनमें टीथ प्रेजेंट होते हैं जिसमें जॉ में। एंड हर्ट इज फोर चैम्बर्ड, और दिल जो होता है इसका फोर चैम्बर्ड होता है, फोर चैम्बर होते हैं इसमें। एंड दे आर होमियोथर्मस, और हम भी क्या हो गए, देखो बर्ड्स के बाद बर्ड्स और मैमल्स क्या हो गए, होमियोथर्मस हो गए। एंड रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, और रेस्पिरेशन क्या हो गया, लंग्स हो गया, लंग्स से होता है। और सेक्सेज आर सेपरेट, सेक्स मेल फीमेल अलग अलग होते हैं हमें पता है। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दे आर विविपेरस विद अ फ्यू एक्सेप्शन, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और ये सारे क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं जो बच्चे देते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं एक्सेप्शन है जो अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसका हो गया प्लेटिपस, प्लेटिपस जो होता है हमारा ये ओवीपेरस होता है, याद रखना ओवीपेरस ऑर्निथोरैंकस जिसको बोलते हैं, प्लेटिपस जो होता है ये क्या करता है, प्लेटिपस एक ऐसी मैमल है जो जो अंडे देता है। अब सारे विविपेरस हो गए, जैसे मैक्रोपस कंगारू हो गया, टेरोपस हो गया आपका फ्लाइंग फॉक्स, एंड कैमोलस हो गया कैमल, एंड मैकाका मंकी हो गया, एंड द रेटस हो गया रेट, एंड कैनिस हो गया डॉग, एंड फेलिस हो गया कैट, एंड एलिफेटस हो गया एलिफेंट, एंड द इक्वस हो गया हॉर्स। उसके बाद डॉल्फिनस हो गया डॉल्फिन, ये तो नेम से ही पता चल रहे हैं इनके, कॉमन नेम से ही पता चल रहे हैं, इनका साइंटिफिक नेम पता चल जाएगा। बैलेनोट्रोपस ब्लू व्हेल, एंड द पैंथेरा टाइगर का नेम हो गया, और ये तो पहले भी आपने लिविंग बर्ड में देखे होंगे। उसके बाद देखते हैं पैंथेरा लियो जो हो गया लॉयन का नेम हो गया, एंड ये सारी चीज़ें, ये जो इसमें एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है आप इस पर फोकस करना, इसको देखना, तो इसमें सारा बिल्कुल आपको पॉरीफेरा से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें कैसा है, सिमेट्री कैसी है, सीलोम है, एसीलोमेटिक है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेशन कैसा है, और अलग जो यूनिक फीचर है वो क्या क्या है इसमें दिए हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब और सबसे बड़ा कह सकते हैं एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम बहुत बड़े चैप्टर हैं, तो ये हमने ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अगली यूनिट, हमारी एक एक बड़ा बहुत बड़ा टास्क पूरा हो चुका है, जो है हमारा सबसे बड़ा टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है, पहला यूनिट ख़त्म कर लिया हमने, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।